हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग टेक्निक इंडिया। तो यार, अगर आप लोगों की भी आईफोन की बैटरी हेल्थ हो गई है ड्रॉप, मान लो 1% 2%, या मान लो 1% ड्रॉप हो गई कुछ एक महीने के अंदर, तो यार काफ़ी सारे लोगों की क्वेरी आई मेरे पास, कह रहे हैं कि भाई मैंने तो आईफोन लिया बिग बिलियन डेज में, एक महीने के अंदर 1% ड्रॉप हो गई, और मेरे दोस्त का आईफोन जो 4-5 महीने पुराना है उसकी अभी तक 100% दिखा रही है 13 में। क्या मेरा यूनिट फॉल्टी है या क्या है? तो ये इसके ऊपर आज बात करेंगे वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बताऊंगा यार, चैनल पे लाइव है एक गिव अवे जिसका अनाउंसमेंट बहुत जल्दी इस वीक के एंड तक प्रोबेबली हो जाएगा। तो उस अनाउंसमेंट को अगर आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है गिव अवे में, तो ये लास्ट मौका है आपके पास। क्या करना होगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से क्लिक करें और अपना चैनल मेरे को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम फॉलो करें, ट्विटर को फॉलो करें। ये तीन चीज़ कर लेंगे, आपका एंट्री आ जाएगी गिव अवे की और मैं गिव अवे का रिजल्ट जल्दी से जल्दी अनाउंस कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यार देखो, सबसे पहली चीज़ जानो, अगर आपने आईफोन खरीदा है इस बिग बिलियन डे सेल के अंदर, तो यार डेफिनेटली अब आप यूज़ कर रहे होंगे और आपकी यूजेज के ऊपर ही बैटरी हेल्थ ड्रॉप होती है। अगर हम एवरेज बैटरी हेल्थ देखें तो एवरेज बैटरी हेल्थ आपकी 10% से 11% 12% भी हो सकती है एक साल के अंदर, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हर महीने 1% भी बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो रही है तो कोई इशू नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। मैं आपको ये पहले ही बता रहा हूँ, ये एक ऐसा नॉर्मल एवरेज यूजर की इजीली ड्रॉप होती है। मेरे पास आईफोन 11 भी था, मेरे पास 12 मिनी भी था, 13 प्रो भी मैं यूज कर रहा हूँ काफी टाइम से, अब मेरे पास 13 मिनी भी है और SE भी है, और सब में मैंने ये ट्रेंड नोटिस किया है थ्रू आउट द टाइम कि बैटरी हेल्थ आपकी इजीली, मतलब अगर आप देखोगे साल में 10% तक ड्रॉप हो सकती है। करंटली मेरे जो 13 प्रो की बैटरी हेल्थ है वो अराउंड 91% है, उसका यूजेज इज हाईली एक्सटेंसिव टू बी ऑनेस्ट, और उसको मेरे को आज से लिए हुए ऑलमोस्ट 9-10 महीने हो चुके हैं और 9% गिर चुकी है मेरी बैटरी हेल्थ। इनफैक्ट काफ़ी 9% मेरी गिर गई थी लाइक 7-8 महीने के अंदर ही स्टार्टिंग में। और एक बड़े क्वेश्चन क्या होता है, स्टार्टिंग के 6 महीने में मेरी बैटरी हेल्थ 100% थी। तो यार ये फिनोमिना होता है बेसिकली बैटरी कैलिब्रेशन का। कई बार क्या होता है, बैटरी कैलिब्रेट नहीं होती, गिरी हुई दिखती नहीं है, असली में गिर चुकी होती है। लेट से 100 दिख रही है बट 100 होती नहीं है, तो एकदम से फिर 3-4% ड्रॉप होती है। तो मेरे सिनेरियो में भी यही हुआ कि यार मेरे को 6 महीने तक बैटरी हेल्थ, 5 महीने तक इनफैक्ट बैटरी हेल्थ 100% थी, उसके बाद एकदम से ड्रॉप हुई ड्रास्टिकली, हर महीने 2-2, 3-3%, और उसके बाद अब रुक चुकी है, अब ड्रॉप नहीं हो रही। तो मतलब अब ऐसा ही होता है बेसिकली। ये ना एप्पल में कई बार क्या होता है, कईयों की रेगुलरली ड्रॉप होती है 1-1%, जो कि ज़्यादा अब मेरे को लगता है ठीक है। जिनकी एक साल ड्रॉप होती है वो थोड़ा पैनिक मोड में आते हैं, जैसे पर्सनली मैंने भी नोटिस किया कि भाई मेरी एकदम से ड्रॉप हो रही थी, बट हाँ अब वो स्टेबल हो गई थी 92-91 के पास, फिर वो ड्रॉप नहीं हुई, फिर वो आपके ग्रेजुअल यूजेज के हिसाब से ड्रॉप होती है। तो यार साल में 10% में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो अगर आपका 1% ड्रॉप हो गई एक महीने में तो इट इज़ वेरी फाइन, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। और जिस दोस्त की आपकी नहीं ड्रॉप हुई है ना भाई, उसकी एकदम से ड्रॉप होगी, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि यार आपका बैटरी हेल्थ तो ड्रॉप होनी है ना यार आपकी यूजेज के हिसाब से, दैट इज़ फॉर श्योर। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप यूज़ कर रहे हो और बैटरी हेल्थ ड्रॉप ना हो, या तो वो यूज़ ही ना करें फ़ोन, तो एक अलग सिनेरियो है। करंटली जैसे मेरे वाले 13 मिनी को अगर मैं देखूँ, तो 13 मिनी मेरा काफ़ी कम यूज़ हुआ है और इसकी बैटरी हेल्थ आई गेस 98% हो चुकी है, और मेरे को स्टिल लगता है कि हाँ 99% ही दिख रही है इसकी अभी भी बैटरी हेल्थ। तो इसकी बैटरी हेल्थ मुझे ऐसा लगता है एकदम से 1-2% फिर से ड्रॉप होगी जैसे ही 1-1.5 महीने के अंदर। तो ये बेसिकली बैटरी कैलिब्रेशन होती है, और मेरा 12 मिनी की बैटरी थी ना, तो पूरे साल में उसका भी यूजेज काफ़ी था वीडियोज़ बनाने में और चीज़ करने में। तो 13% जब मैंने सेल आउट किया था, आई रिमेंबर शायद 88 था, 12% हाँ 12% के आसपास ड्रॉप हो गई थी मेरी एक साल से जस्ट पहले, मतलब 11th मंथ में मेरी 12% ड्रॉप हो गई थी। तो यार हर फोन के ऊपर डिपेंड करता है, 13 जनरली एक अच्छा फ़ोन है इन टर्म्स ऑफ बैटरी लाइफ में, तो मेरे को ऐसा लगता है कि 10% 9% एक साल के अंदर ड्रॉप होना लाजमी है और उसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। क्या मेजर्स आपको यूज़ करने चाहिए अच्छी बैटरी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, वो इंपॉर्टेंट है कि आप अपना चार्जर यूज़ करें, वो ओरिजिनल यूज़ करें, और अगर थर्ड पार्टी करना है तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से सिर्फ सैमसंग का चार्जर है जो कि इसको कम्पीट कर सकता है। जिन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से खरीद लोगे तो मेरे को थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, आपको नुकसान नहीं होगा। तो बट मेरा रिकमेंडेशन
नहीं है, पोर्टोनिक्स के 400-500 रुपए एम्ब्रेन वाले चार्जर्स को ना यूज करें, क्योंकि वो चार्जर्स आपकी बैटरी को हार्म कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। एक दो दिन यूज करना है, मजबूरी में यूज करना है, कभी करना है तो कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। और जनरली आप उन्हीं अपने ऑथेंटिक चार्जर से चार्ज करेंगे तो बेहतर रहेगा। पावर बैंक्स भी लेंगे तो पावर बैंक भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, एक एम्ब्रेन का पावर बैंक आता है जो कि काफी ठीक है इन टर्म्स ऑफ पीडी चार्जिंग, तो आप वो यूज कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एमआई का पॉकेट पावर बैंक है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप यूज कर सकते हैं, उनकी भी बैटरी हेल्थ पे ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। बट ओरिजिनल ऑथेंटिक चार्जर से चार्ज करेंगे वो सबसे बेस्ट होता है। ये सब एसेसरीज होती है वो यूज करनी चाहिए 1-2-4 दिन 6 दिन के लिए, रेगुलरली चार्ज नहीं करना चाहिए थर्ड पार्टी एसेसरीज से, क्योंकि यार ये सब चीजें डेफिनेटली बैटरी को थोड़ा डिग्रेड कर देती है। और दिमाग पे स्ट्रेस ना ले, इंजॉय करें अपने फोन को यूज करते हुए, बैटरी हेल्थ के लिए ज्यादा स्ट्रेस मत ले। बैटरी हेल्थ 80 से नीचे जाने के बाद भी फोन खराब नहीं होता जब तक आपके पास मैसेज ना आए कि यू हैव नीड टू रिप्लेस द बैटरी, तो उसका स्ट्रेस लेने की कोई मतलब नहीं है। मस्त यूज करो, 2 साल तक आपकी चलेगी 80%, उसके बाद अपनी बैटरी रिप्लेस करा लेना, बहुत ज्यादा कोई महंगी भी नहीं आती है, आपका काम चल जाएगा। तो यही था आज की वीडियो के अंदर, गेम में पार्टिसिपेट करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।